हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं मुकेश वर्मा, आप देख रहे हैं मेडिसिन किंग। दोस्तों, आज हम न्यूरोकाइंड प्लस कैप्सूल के बारे में बात करेंगे। न्यूरोकाइंड प्लस कौन कौन से पेशेंट ले सकते हैं और आप इसको कौन सी कंडीशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब साथ में दबाएँ, बेल आइकन को, क्योंकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूरोकाइंड की ब्रांडिंग है और इस प्रोडक्ट को बनाती है दोस्तों, मैनकाइंड इस प्रोडक्ट को बनाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैनकाइंड की ब्रांडिंग है। और इसके एमआरपी के बारे में हम बात करें तो यहाँ पर 98 रुपीस इसका एमआरपी है, जो कि आपको इजीली किसी भी केमिस्ट में ये कैप्सूल मिलने वाला है। तो दोस्तों, इसके आज दो दो फायदे हम बताने वाले हैं। तो भाई, इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नॉलेजबल होने वाली है। तो यहाँ पर आप कंटेंट के बारे में भी हम जान लेते हैं। तो दोस्तों, इसके कंटेंट हैं मीकोबालामिन, अल्फ़ा लिकोपिक एसिड, पायरीडॉक्सिन, फोलिक एसिड। तो यहाँ पर उन्होंने कंटेंट भी मेंशन किए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं मिलीग्राम भी मेंशन किए हैं। दोस्तों, इस प्रकार की ये पैकिंग में आता है। तो फ्रेंड्स, आपने इसके बहुत से रिव्यूज़ देखे होंगे इंटरनेट पे, बहुत से यूट्यूब पर रिव्यू पड़े हुए हैं। तो भाई, मैं आज आपको सही से गाइड करने वाला हूँ, जो मेन इसका पर्पस है, जो मेन अफेक्ट करता है, कौन सी कंडीशन और कौन सी बीमारी के लिए करता है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहला नंबर, जो जिन माताओं बहनों को नेत्र की कमजोरी रहती है, जिनकी आँखों की नसें बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहती हैं, तो उनके लिए बहुत ही बेहतरीन कैप्सूल है। जो नेत्र के स्पेशलिस्ट होते हैं वो इसको ज़्यादातर प्रिस्क्राइब करते हैं उस समय पर, जिनकी आँखों में रड़कपन होती है, वो दूर का बिंदु देख नहीं पाते, जैसे कि कोई भी दूर का फोकस नहीं कर पाते। जैसे ही देखते हैं उनके सिर में अचानक बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है और बहुत ज़्यादा आँखों में स्वेलिंग भी आ जाती है, देखने में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, आँखों में इचिंग होती है, खुजली होती है, आंखें लाल पड़ जाती है। तो उस कंडीशन के लिए बहुत ही बेहतरीन ये कैप्सूल है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके इस्तेमाल है, जैसे कि दोस्तों, जिन पेशेंट को गठिए की समस्या होती है, जो दूसरा मैं चरण बता रहा हूँ इसका, जिन पेशेंट को गठिए की समस्या रहती है, जिनका शरीर गठीला रहता है, जिनको भूलने की बीमारी रहती है, तो उस कंडीशन के लिए बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही ज़बरदस्त ये कैप्सूल है। और इसके हम बारे में बात करेंगे, जिन भाइयों को पोषण की कमी रहती है, जिनको प्रेगनेंसी में एनीमिया की कमी या रक्त की कमी होना या भूख का कम लगना या बार बार चक्कर आना, जैसे ही आप खड़े होते हैं आपको चक्कर आ जाते हैं, तो उस कंडीशन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा ये कैप्सूल है। और दोस्तों, इसके इस्तेमाल, जैसे कि आपके हाथ पांव का सुन्न होना या आपके मांसपेशियों में अकड़न होना या जकड़न होना या फिर आपकी नसों में कमजोरी होना या आपके शरीर दुबला पतला होना, तो उस कंडीशन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा ये कैप्सूल है। तो आप बिना डॉक्टर के कोई भी दवा इंजेक्शन का इस्तेमाल ना करें। ये कैप्सूल सिर्फ मैं आपकी नॉलेज के लिए इसका रिव्यू कर रहा हूँ, आप अपने डॉक्टर की सलाह से ही इस कैप्सूल का इस्तेमाल करें दोस्तों। तो जौन जौन सी मैंने आपको परेशानियाँ बताई हैं, जौन जौन सी बीमारियाँ बताई हैं, तो उस कंडीशन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ये प्रॉब्लम होती है, अगर आपको ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें और इस कैप्सूल का इस्तेमाल करें, जिससे आपको दोस्तों बहुत अच्छा रिजल्ट दिखने वाला है। और दोस्तों, इसके मैं साइड इफ़ेक्ट भी आपको बता देता हूँ। अगर आप इसको लेते हैं तो मितली उल्टी या आपकी बॉडी के ऊपर लाल चकत्ते या सिर में दर्द या सांस लेने में दिक्कत या दौरे या उलझन पूरी बॉडी में पड़ सकती है, तो इस प्रकार के आपको इसके साइड इफ़ेक्ट देख सकते हैं। और इसके डोजेस के बारे में हम जानेंगे, तो रोज़ाना एक कैप्सूल आप खाना खाने के बाद ले सकते हैं दोस्तों, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको दिखेगा। तो रिव्यू कैसा लगा आपको? अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा दोस्तों।